वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक वीडियो से क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन की हमारी दूसरी वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और इस प्रकार तीन वीडियो में हम जितने भी संवैधानिक संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को भारतीय संघ के मैं किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन या फिर 16वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि 14वां संविधान संशोधन। तो पुडुचेरी को यानी पांडुचेरी को भारतीय संघ में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और 14वां संविधान संशोधन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किया कब गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा नाम के दो नए राज्य बनाए गए। ठीक है, आपके ऑप्शन है 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां। तो आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन हो गए हैं, अब आपका सही आंसर क्या है इसमें? सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 18वां। तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही ऑप्शन है बी, 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा नाम के दो नए राज्य बनाए गए, जैसे पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया गया और पंजाब में पंजाबी भाषी लोग और हरियाणा में हरवाणवी, जिसको बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज, तो हरियाणवी भाषी लोग रहने लगे। तो इस प्रकार से इसके द्वारा एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसे पंजाब और हरियाणा कहा गया। ठीक है, तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। इस प्रकार आपका इसमें भी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ठीक है, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी को बाध्य करना, बिल्कुल इससे सही था। और दूसरा है अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को देना, ये भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोनों, यानी कि 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संसद को ये दोनों शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए और बी दोनों ऑप्शन क्योंकि आते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें आंसर आएगा दोनों। अब क्वेश्चन आता है कि 24वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही है? इसमें आपका तीसरा जो है सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देसी राज्यों के भूतपूर्व नरेश के विशेष अधिकार तथा प्रीवी पर्स की सुविधा को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन या फिर 28वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि 26वां संविधान संशोधन। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले जो नरेश थे, जो राजा थे, उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, साथ ही प्रिवी पर्स की जो सुविधा थी वो भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो प्रिवी पर्स क्या है? क्वेश्चन आएगा प्रिवी पर्स क्या है? तो दोस्तों, जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन पे साइन करवाए थे राजाओं के, तब उसमें एक पॉइंट है जिसमें कहा गया था कि उन्हें हर मंथ कुछ पेंशन दी जाएगी। क्या किया जाएगा? उन्हें हर मंथ कुछ पेंशन दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो राजा है तो वो काम तो करेंगे ही, और अभी तक क्या होता था कि जो उनका राज्य होता था उस राज्य से टैक्स वसूलते थे और उस टैक्स पे उनकी ज़िंदगी चल रही होती थी। लेकिन जब वो राज्य सरकार के अंदर में आ गए, केंद्र सरकार के अधीन हो गए, तो उनका टैक्स, उनका जो रेवेन्यू है वो कौन लेने लग गया? केंद्र सरकार। तो अब राजा की गुजर बसर कैसे होगी? तो राजा को केंद्र सरकार या सेंट्रल सरकार थी, जितनी भी गवर्नमेंट राजा थे उस समय के भूतपूर्व, उन सभी को कुछ पेंशन या कुछ पैसे दिया करती थी और उसी को नाम दिया गया प्रिवी पर्स। ठीक है, और उसे इंदिरा गांधी जी ने इस संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। इस समय सरकार किसकी थी? तो इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी ने इन्हें जो पेंशन दी जाए थी, जो पैसे दिए जाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारी रेवेन्यू से, वो ख़त्म कर दिया, और इसी के लिए ये जो संशोधन है वो किया गया था। तो उनके जो विशेष अधिकार थे वो ख़त्म कर दिया गया, साथ ही उन्हें जो ये पेंशन दी जा रही थी प्रीवी पर्स के नाम पे, वो भी ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 26वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, 26वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1971 में।
ठीक है, कब हुआ था ये भी 1971 में हुआ था, इसलिए आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कैसे पहुँचाएँ। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो सीटों की संख्या थी उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या है, 545 कहिए या 552 कहिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है 30वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन या फिर 33वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या सही है, तो उसका दोस्तों आपका सही ऑप्शन है बी, यानी 31वां संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा संख्या जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 545 कर दिया गया था। ये हुआ कब था संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 1972 में, क्योंकि 1971 में आपको पता होगा कि 1971 में डिलिमिटेशन कमीशन ने परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, जिसने इसका रिकमेंडेशन किया और परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन या सलाह पर ही इनकी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। और साथ ही ये कह दिया गया था कि अब 2000 तक जो सीटों की संख्या है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। 2000 तक सीटों की संख्या जो है, चौथा परिसीमन आयोग था, ये चौथा परिसीमन आयोग था, इसकी सीटों की संख्या वही बढ़ा दी गई, कह दिया गया कि वही की वही रहेगी अब। और 2000 बाद 2000 में फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उन्होंने फिर से, सॉरी ये तीसरा था, ये थर्ड था, ठीक है, ये तीसरा था। इसके बाद फिर 2000 में 2001 में फिर से परिसीमन आयोग का गठन होता है, किसकी सरकार में, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और उन्होंने कह दिया, उस समय कहा गया कि जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक यथावत रहेगी, और इसीलिए 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके बेस पे सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, और वही सीटों की संख्या आज तक, यानी 1971 की जनगणना के हिसाब से जो सीटों की संख्या निकल के आई थी वही संख्या आज तक चली आ रही है, और 2026 तक ये रहेगी। 2026 के बाद फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, वो जनगणना करेगा उस, और जनगणना के बेस पे जो उस समय की जनगणना के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से जितनी सीटें रिक्वायर होंगी उतनी सीटें फिर बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी कितनी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, अभी 545 कर दी गई थी, किसके द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 33वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन या फिर 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी, 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन सही है सी, 35वां संविधान संशोधन 1975। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन है 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 37वां या फिर 36वां। तो आपका दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और ये हुआ कब था, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में ही। कब हुआ था, 1975 में 36वां संविधान संशोधन लाया गया संसद में और उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किया गया। आपके ऑप्शन है 37वां संविधान संशोधन, यही जानकारी सब में लिखा हुआ है, 37वां यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 38वां, 39वां या फिर 40वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 37वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था, तो ये भी 1975 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किया गया था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, ठीक है। क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का, ठीक है। तो आज पर आपका के ऑप्शन सही है, 37वां संविधान संशोधन 1975। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यायिक समीक्षा पर रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। इस पर रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई थी। आपके ऑप्शन है 38वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि 39वां संविधान संशोधन जो था, जो कि कब किया गया था, ये किया गया था 1975 में, कब किया गया था 1975 में। इसके द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जुडिशियरी की या न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रावधान कर दिया गया था, या उसको बाहर कर दिया गया
था, ये किसने किया था, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्यों किया था आपको पता ही होगा, वो इंदिरा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ जो प्रोजेक्ट हुआ था है ना, जिसमें उनको आयोग ठहरा दिया गया था 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से, तो उसी को बदलने के लिए फिर उन्होंने ये संशोधन किया और इसमें कह दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये कौन सा संविधान, 39वां संविधान संशोधन 1975, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, है ना, मिनी स्टेशन नहीं है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 43वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि कौन सा संविधान संशोधन है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आधा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे क्लॉज परिवर्तित कर दिए गए थे, इतने सारे नए क्लॉज जोड़े गए थे कि इसमें आधा संविधान ही परिवर्तित करके रख दिया गया था, यानी संविधान को आधा बदल ही दिया गया था पूरा। इंदिरा गांधी जी ने अपने हिसाब से पूरा संविधान ही बदल दिया था अपना, है ना, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। और ये कब किया गया था, ये तब किया गया था जब इमरजेंसी चल रही थी देश में, यानी देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था तब इसे किया गया था, और इस कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, किस टाइम किया था, तो आपातकाल जब देश में लागू था उस समय से किया गया था। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या परिवर्तित किए गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, इसमें से क्या क्या थे, तो कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उसे इन्होंने 6 वर्ष का कर दिया गया था इंदिरा जी ने। प्रस्तावना 3 शब्द नए जोड़े गए थे, बिल्कुल जोड़े गए थे, ये भी किया गया था। मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी जोड़े गए, 51A में है ना, 51A भाग 4A और आर्टिकल 51A भाग 4A और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। तो उपयुक्त सभी आपका इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ये तीनों परिवर्तन किए गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे। मैंने अभी आपको बताया कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, अब पूछ रहे प्रस्तावना में कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, तो आपके ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में ये तीनों नए शब्दों को जोड़ दिया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये तीनों शब्दों को उसमें जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से किस आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जा सकता या किया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 84। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, अनुच्छेद 84 या आर्टिकल 84। क्या है, आर्टिकल 84, यानी कि जो अनुच्छेद 84 था इसमें एक भी संशोधन नहीं किया गया, लेकिन 81, 82, 83 में संशोधन किया गया था। कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन किया गया था, उनमें से मैंने कुछ उठा लिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइन से आ रहे थे तो इसलिए मैंने आप रख दिया, अदरवाइज बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद उनमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, आप एक बार किसी बुक में या नेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे संशोधन थे जिनमें किए गए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 84 में एक भी संशोधन नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन में किए गए बदलाव को पहले जैसा कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है दोस्तों कि किस संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए जो संविधान में बदलाव थे उनको पहले जैसा कर दिया, या संविधान को वापस से मूल स्थिति में ला दिया। ठीक है, संविधान को वापस से मूल स्थिति में ला दिया। आपके ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर 47वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 44वां संविधान संशोधन जो किसने किया था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में। किसके कार्यकाल में होता है, ये मोरारजी देसाई की सरकार में होता है। कब, मोरारजी भाई देसाई जो थे, मोरारजी देसाई सरकार जी थे, उन्होंने इसको संविधान संशोधन किया और जितने भी इंदिरा गांधी जी ने परिवर्तन किए थे आपातकाल समय उनको वापस से हटा के सेम कर दिया संविधान को, यानी 6 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको 5 वर्ष कर दिया, और राष्ट्रपति और इनके जो चुनाव थे इनको वापस इनके दायरे में ला दिया गया, यदि चुनाव में कोई भी धांधली होती है। बहुत सारे परिवर्तन किए गए, कुछ कुछ एक्सेप्ट किए गए, जैसे कि जो 3 नए शब्द जोड़े गए वो एजुटेज हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए वो भी एजुटेज हैं, लेकिन जो अलग है कि ये सही नहीं है या संविधान की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचाते हैं या फिर देश की एकता अखंडता के लिए थोड़ा सा, या कहीं ना कहीं जो सरकार से कट्टर बनाते हैं, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप बनाते हैं, तानाशाह बनाते हैं, तो वो सारे के सारे परिवर्तित करके पहले जैसे कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन था जिसने संविधान को मूल स्थिति में ला दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, आपके ऑप्शन है 42वां, 44वां, 45वां या फिर 48वां। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया, और कहा दिया गया तो उसे आप मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, कैसा, कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया है, और उसमें से 300A में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया दोस्तों, 300A में रख दिया गया है, ठीक है। पहले 31A में था, अब 31E यानी 31 से आर्टिकल 31 से हटा के 300A में कर दिया गया है। ये पहले 31 में था मूल अधिकारों में, और इसे 300A में कर दिया गया, और इसे मूल अधिकार से हटा के अब क्या कर दिया गया है, इसे लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका आंसर क्या सही है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को 7 से हटाकर 6 कर दिया गया। आपको ऑप्शन पता ही होगा दोस्तों इसका आंसर क्या सही है, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब हमने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो सीधी बात है पहले 7 थे, अब 7 में से कि जब 1 हटा दिया तो कितने बचे, अब 6 बचे, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, 44वें द्वारा हटाया गया था, तो सीधी बात है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो मूल अधिकार की संख्या 7 थी वो अब घट के 6 हो गई। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को 42वें संविधान संशोधन ने क्षति पहुंचाई थी, उसे किस संविधान संशोधन ने वापस शक्ति प्रदान कर दी। वही चीज़ है, फिर से आपका वही ऑप्शन होगा, वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि न्यायपालिका को क्षति पहुंचाई गई थी, क्योंकि न्यायपालिका को न्याय पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया था कुछ चीज़ों के लिए, और भी उसकी शक्तियाँ छीन ली गई थी कहीं ना कहीं, तो कुछ चीज़ें की गई थी जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे वापस शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, और कहा गया कि जो स्तंभ है शासन की वो तीनों स्तंभ बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप से कटौती नहीं की जा सकती, कोई भी एक संस्था किसी दूसरे या तीसरे के अधिकारों में कर्तव्यों में कटौती नहीं कर सकती, न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के में, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में, या कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में कोई कटौती नहीं कर सकती, तीनों स्तंभ जरूरी हैं देश के शासन को चलाने के लिए। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, सीधी बात अब समझ में आ गया होगा, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 का ही था, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया, चीज़ वही है, तो आप इसे याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो न्यायपालिका को क्षति पहुँचाई गई थी उसे वापस से कर दिया गया, ठीक है, उसे वापस हो सकती दे दी गई। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून जो है वो कब लाया गया, या दल बदल विरोधी कानून कब पास किया गया, तो आपको पता ही कि कब लाया गया, क्यों लाया गया था, है ना, कि कोई भी विधेयक, कोई भी सांसद अपना दल छोड़ के किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है या कुछ वैसा कुछ भी कार्य करता है, तो उसे दल बदल निरोधक विधेयक कानून के तहत उसे आयोग घोषित कर दिया गया और उसे कर दिया जाता है, और उसे एक पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, या वो सदस्य नहीं रह जाता फिर उस चीज़ का। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो आपके ऑप्शन 91, 52, 53, 54, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, कब हुआ था 1985 में हुआ था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये किया गया था, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया कई तरीके से, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शन है 52वें, 53वें, 54वें या फिर 55वें। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को किससे अलग किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग किया गया था, अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करके अरुणाचल प्रदेश का एक अलग राज्य बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। पहले ये बॉम्बे में ही था, ठीक है, और सॉरी बॉम्बे में क्या थे, पहले पुर्तगालियों का इसके ऊपर नियंत्रण था, पुर्तगालीज यहाँ पे रहते थे जिसको खाली करने के लिए तैयार ही नहीं थे, पुर्तगालीज जो है वो गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे, फिर इंडियन गवर्नमेंट में फोर्सफुली वहाँ पे सैनिक भेजे और पुलिस भेजी, और उसके द्वारा फिर पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया गया और हमने अपने राज्य में शामिल किया, कुछ दिन उसको संघ के अंदर रखा और बाद में से राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, आपके ऑप्शन है 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, तो ये हम पढ़ चुके, इसके द्वारा नहीं हुआ, ये पढ़ चुके, इसके द्वारा नहीं, तो कौन सा बचा अब ये और ये, तो इसका सही ऑप्शन सी, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भी भारतीय संघ में एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो इसका प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें अब बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान संशोधन है उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में अगली वीडियो में डिस्कस
कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही जब तक आपको बहुत आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जब भी बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, दूरी बना कर रखें, क्योंकि आप ही अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और MPPSC आ गई तो अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया से पेपर दें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।